morning, friends. May Dr. V.K. Mishra from Gastro Liver Hospital, Swarupnagar, Kanpur. आपने सुना होगा कि लीवर एब्सेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. कभी आपने सुना होगा कि हमारे इस दोस्त को जिन्हें लीवर में फोड़ा हुआ या लीवर एब्सेस हुई और उसे ट्रीटमेंट कराना पड़ा. आज हम लीवर का जो फोड़ा है या लीवर एब्सेस है इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि लीवर का जो फोड़ा है वो दो कैटेगरीज में आता है. नंबर वन इज द पायोजेनिक लीवर एब्सेस, नंबर टू इज द अमीबिक लीवर एब्सेस. ये जो पायोजेनिक एंड अमीबिक लीवर एब्सेस हैं ये बिल्कुल दो अलग अलग फोड़े हैं. है तो ये लीवर एब्सेस, ये दोनों फोड़े हैं लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के हैं. ये आपको समझने की जरूरत है. जब हम पायोजेनिक लीवर एब्सेस की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है. ये जो बैक्टीरिया ये एनोरोबिक हो सकते हैं या एरोबिक हो सकते हैं. एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो वास्तव में ऑक्सीजन मांगते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया के चलते हो सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया के चलते हो सकते हैं. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के चलते हो सकते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के चलते हो सकते हैं. ये दो अलग अलग कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं. कभी कभार कुछ फंगल इन्फेक्शन या फंगस के चलते होते हैं उनको भी समहाउ पायोजेनिक की कैटेगरी में ही मान लिया जाता है. तो जहां तक पायोजेनिक लीवर एब्सेस का सवाल है ये वास्तव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते आते हैं. ऑन द कंट्री जब हम अमीबिक लीवर एब्सेस की बात करते हैं तो ये वास्तव में एक प्रोटोजोआ होता है जिसे कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये वास्तव में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के चलते बनता है. तो जो अमीबिक लीवर एब्सेस है इसमें बैक्टीरिया का कोई काम नहीं है, इसमें फंगस का कोई काम नहीं है. ये बनेगा तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के चलते बनेगा जो वास्तव में एक प्रोटोजोआ है. नाउ इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ट्रीटमेंट है इज ड्रामेटिकली डिफरेंट. जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है उसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और जो अमीबिक लीवर एब्सेस है उसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है. इसलिए दोनों की जो डायग्नोसिस है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए. सबसे पहले मैं बात करूंगा पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में. सबसे पहले ये जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ज्यादा यंगर पॉपुलेशन में होती है, यानी एज यूजुअली इज द मिडिल एज और यंगर एज. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन भी मल्टीपल लीवर एब्सेस ऑफ द पायोजेनिक ओरिजिन उनको लेके आने लगी है. जो दूसरा जो पॉइंट है जो आपको समझने की जरूरत है कि जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है वो हमेशा मल्टीपल होती हैं या कई सारी होती हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है. जिसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा माना जा रहा है कि जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं संख्या में. उसके बहुत सारे कारण हैं. नंबर वन, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है. नंबर टू, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट्स हैं चाहे वो HIV हो चाहे कैंसर्स हो उनका एक इंसिडेंस बढ़ रहा है. तो जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है बिकॉज लो इम्यूनिटी के चलते पायोजेनिक जो लीवर एब्सेस है उसके होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है. नंबर टू, जैसे ही बिलियरी ट्रैक्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ रहा है जैसे जो बाइल डक्ट है उसमें हम ERCP करते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जो बिलियरी ट्री है उसमें जब से इंटरवेंशंस ज्यादा हो रहे हैं तो मल्टीपल लीवर एब्सेस का इंसिडेंस बढ़ रहा है. ऐसे ही एक कॉम्प्लिकेशन है जो लीवर ट्रांसप्लांट के चलते आता है उसमें भी लीवर जो एब्सेसेस हैं ऑफ द पायोजेनिक ओरिजिन उनका इंसिडेंस बढ़ता है. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस हैं उनका इंसिडेंस बढ़ रहा है और ये अब ओल्डर पॉपुलेशन में भी आने लगी हैं. बट जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस हैं वो बाय एंड लार्ज मल्टीपल होती हैं जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है. नाउ अगर हम सिम्टम्स को ध्यान से देखें दे विल बी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इन द बिगिनिंग इन द सेंस कि लो ग्रेड फीवर होगा. जो फीवर है वो 99-100 डिग्री होगा. पूरी बॉडी में दर्द होगा या मेलेस होगा. वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड भूख धीरे धीरे गायब होने लगेगी. एंड धीरे धीरे जो राइट इस साइड का जो एरिया है जहां लीवर होता है इस एरिया में पेन आना चालू हो जाता है. नाउ जब पायोजेनिक लीवर एब्सेस की हम बात करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि अप्रोक्सीमेटली 30% पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको फीवर आए ही ना. मतलब लीवर में कई सारे फोड़े हैं, पायोजेनिक लीवर एब्सेस पड़ी हुई है लेकिन फीवर आ ही नहीं रहा है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये क्लासिकल सिम्टम हमें मिलते हैं कि बुखार भी आ रहा है और राइट साइड में इस तरफ दर्द भी हो रहा है. इन इनफैक्ट जो अगर आपको फीवर चल रहा है और यहां दर्द हो रहा है तो काफी पिन पॉइंट कर देता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है एंड शायद ये लीवर एब्सेस है. तो ये सिर्फ 1/3 या 1/3 पेशेंट्स में इस तरह की चीज हमें दिखाई देती है. अगर
जो लिवर में फोड़ा है उसके चलते राइट साइड का जो डायफ्राम है वो इरिटेट हुआ, तो कुछ और भी सिम्टम्स आएंगे, इन द सेंस कि यहां का जो पेन है वो राइट साइड के शोल्डर में रेडिएट होने लगेगा, तो आपको जो दाईं तरफ का कंधा है इसमें आपको दर्द होने लगेगा, आपको खांसी होने लगेगी क्योंकि डायफ्राम इरिटेट हो रहा है, कभी कभी बहुत हिचकियां आने लगती हैं बिकॉज ऑफ द डायफ्रामेटिक इरिटेशन। तो डायफ्राम का अगर इरिटेशन हुआ तो शोल्डर में पेन आएगा या कंधे में दर्द आएगा, हिचकियां आएंगी और खांसी होने लगेगी। नाउ जहां तक पायोजेनिक लिवर एब्सेस का सवाल है, इनके जो सिम्टम्स बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनको पहचानने में पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आज अगर लिवर एब्सेस चालू होती है तो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अप्रॉक्सिमेटली 26 डेज का टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये कि आज लिवर एब्सेस अगर चालू हुई तो कम से कम जो है ना 20-25 दिन का टाइम लगता है जब वास्तव में डायग्नोसिस आपकी बन पाती है एंड आप हॉस्पिटल में पहुंच पाते हैं फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। नाउ लुक एट द अमीबिक लिवर एब्सेस, तो एक तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस है, द सेकंड वन इज अमीबिक लिवर एब्सेस। जो अमीबिक लिवर एब्सेस है वो सबसे ज्यादा मेल्स में होती है या पुरुषों में होती है, ये इट इज 10 टाइम्स मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंटली पुरुषों की बीमारी है। ये सबसे ज्यादा जो देखा गया है अंडरलाइन कि अगर आप क्रॉनिकल को लिखें, अगर आप लंबी समय से अल्कोहल ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो आपका जो लिवर है वो एब्सेस के लिए प्रोन होता चला जाता है। लेकिन जो अमीबिक लिवर एब्सेस है उसका जो डेवलपमेंट है यूजुअली इज द फास्ट। अगर अमीबा लिवर के अंदर पहुंचते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 2-4 वीक्स में एक जो अमीबिक लिवर एब्सेस है वो डेवलप हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स को देखें तो अनकंट्रोलेबल टू द पायोजेनिक एब्सेस जो अमीबिक लिवर एब्सेस है इसमें 85% पेशेंट्स को फीवर आने लगता है, और जो फीवर आता है वो हाई ग्रेड होता है, वो ठंडी दे के आएगा, तो ठंडी दे के फीवर आएगा, तेज फीवर आएगा, यानी 85% लोगों को आने लगेगा। अगर जो एब्सेस है वो डायफ्राम की सरफेस को इरिटेट कर रही है तो उसी तरह के सिम्टम्स आएंगे, राइट साइड में प्लूरा का पेन आएगा, आपके दाईं तरफ के कंधे में दर्द आने लगेगा, साथ में आपको इंट्रैक्टिबल जो है ना कफ होने लगेगा या इंट्रैक्टिबल आपको हिचकियां आने लगेंगी अगर डायफ्राम में इरिटेशन हुआ तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है कि राइट साइड में पेन, हाई ग्रेड फीवर, ठंडी देके, अगर आप लंबे समय से अल्कोहल लेते चले आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि लिवर में फोड़ा बन रहा है या एब्सेस बन रही है। नाउ जो अमीबिक लिवर एब्सेस है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो अमीबा वास्तव में इंटेस्टिन से होके लिवर के अंदर पहुंचते हैं, तो ऑलमोस्ट 10-13 जो परसेंट पेशेंट्स हैं या 10-30% पेशेंट्स में जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके भी सिम्टम्स आएंगे। उसके जो सिम्टम्स हैं उनको ध्यान से देखिए, नौशिया होगा या वॉमिटिंग होगी, रुक रुक के मरोड़े वाले पेट में दर्द होंगे, कभी हल्का सा पेट में डिस्टेंशन भी आ सकता है, कभी कभार लूज मोशन या डायरिया भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत अनकॉमन है कि आपको अमीबिक लिवर एब्सेस भी हो जाए इन अमीबिक डिसेंट्री भी हो जाए एक साथ, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन। बट जो इंटेस्टिन के सिम्टम्स हैं वो आते तो 10-30% पेशेंट्स में है अगर ये अमीबिक लिवर एब्सेस है तो। नाउ आप ध्यान से देखिए कि देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो मैं चाहता हूं कि आपके बिल्कुल नॉलेज में होना चाहिए। अगर आपको लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर लंबे समय से चल रहा है, मोर देन अ वीक, इसका मतलब यह है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम हो गया है आपको लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, उसके साथ आपको दाईं तरफ इस एरिया में पेन आ रहा है, और ये जो पेन है ये आपके दाईं तरफ का जो कंधा है इसमें आपको रेडिएट कर रहा है। नंबर 4, आप लगातार अल्कोहल लेते हैं, रेगुलर अल्कोहल लेते हैं एंड ठीक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, इसके साथ आपकी भूख एकदम गायब हो गई है, आपका वेट कम होना चालू हो गया है और आपकी एज जो है वो मिडिल एज है। अगर ये पूरी का पूरा सेटिंग है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो आपको जरूर इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपके लिवर में एब्सेस तो नहीं है, कहीं आपके लिवर में फोड़ा तो नहीं है। इन अ वेरी सिंपल टेस्ट, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इसको रेडिली आइडेंटिफाई कर देगा, एंड रेडिली आइडेंटिफाई एक बार हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जहां तक लिवर एब्सेस का सवाल है, इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम बट इट कैन इजीली बी डायग्नोस्ड अगर आंख खुली रखी जाए तो, और इसका ट्रीटमेंट कैन बी स्ट्रीमलाइंड इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो इसलिए अपने सिम्टम्स पे ध्यान दें, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर लिवर एब्सेस के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।